राहुल जी की बहन ने भी जमीन खरीदी और उनको महंगे दाम पे बेच दिया। पहुआ जी ने कहा मेरे पास फंड नहीं है, तो फंड उनको एक थम्पी साहब ने दे दिया। थम्पी साहब के भंडारी साहब से क्या संबंध थे, इसको हमने विस्तार से आपके सामने रखा है और ओप इंडिया ने भी अपने वेबसाइट पर इन विषयों को विस्तार से रखा है, जिसके बाद हमने कहा था। लेकिन आज सुबह से अनिल बरूनी और हम लोग थोड़ा गुना भाग कर रहे थे, शपथ पत्र को देखा तो हम लोग की आंखें चौंक गई कि सिर्फ एमपी की कमाई से 55 लाख से 9 करोड़ संपत्ति कैसे हो जाती है। द बीजेपी वुड लाइक टू नो एज टू व्हाट वर द फैक्टर्स विच लेड टू ए मेयर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर राहुल गांधी विटनेस एक्स्ट्रॉर्डनरी जंप इन हिज इनकम फ्रॉम मेयर 55.38 लाख टू 9 करोड़ प्लस, ये हम जानना चाहेंगे। थोड़ा शोध किया तो कुछ बड़ी रोचक बात मालूम हुई। वैसे आपको पता ही है कि जो एसोसिएटेड जर्नल है उसमें 155 करोड़ की इनकम टैक्स लाइबिलिटी की लड़ाई चल रही है, वो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, वो नहीं रुका, वो एक अलग विषय आप जानते हैं। उसमें किस तरह से शेयर्स को, पब्लिक के शेयर को फैमिली में कर दिया गया, ये भी आप जानते हैं। लेकिन थोड़ी कुछ और बात मालूम हुई जिसको पहले भी कुछ अखबारों ने लिखा था, वो ये था कि राहुल जी और उनकी बहन का एक 4.69 एकड़ का फार्म हाउस है दिल्ली में, जो उन्होंने फिनेंशियल टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया को रेंट पे दिया था। ये फिनेंशियल टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया कौन है, जिसको नेशनल स्पॉट एक्सचेंज के वायलेशंस के बारे में शो कॉज नोटिस की गई थी। आप याद करेंगे नेशनल स्पॉट एक्सचेंज कौन है, जिनको लेकर के जो एग्रीकल्चर और बाकी क्षेत्र में, तो उनके खिलाफ जिंगेश शाह वगैरह काफी कार्रवाई हुई थी। दिस नेशनल स्पॉट एक्सचेंज वॉज ए कंपनी प्रमोटेड बाई फिनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। अब कोई किसी को किराए पर दे इसे तो हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन जब नोटिस होती है तभी किराए पर रेंट चढ़ जाता है और FTIL 40 लाख रुपए का एक इंटरेस्ट फी चेक पेमेंट करता है, ये क्या है? ये बातें मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने पूर्व में पहुआ से जो 26 लाख की जमीन खरीदी गई थी उसको उसने स्वीकार किया। हमने संजय भंडारी और थम्पी के संबंधों के बारे में चर्चा की थी। संजय भंडारी फ्यूजिटिव है, आपको पता है, दमादशी से उनके संबंधों की चर्चा बहुत हुई है लंदन की प्रॉपर्टी को लेकर, और उन्होंने, हमने ये भी बताया था कि वो एयरबस के भी डीलर, ये मेरे ख्याल में लॉबिस्ट थे, और एयरबस यूरोफाइटर बनाते हैं जो राफेल का कॉम्पिटिटर था। ये सारी बातें हमने आपसे चर्चा की थी पहले। लेकिन ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो है ये बताना बहुत जरूरी है। तो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे। एक बार फिर से जोरदार हमला गांधी फैमिली पर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वाड्रा, उससे पहले रॉबर्ट वाड्रा का नाम और उन पर लगे आरोपों का भी उन्होंने डिटेल में बात की है। सियासत लगातार तेज हो